नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक पर दो वाहनों की हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद बाइक सवार युवकों को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मी युवक बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना के रंजीतपुर गांव में एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ के सहारे फंदे से लटका हुआ पाया गया है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना को लेकर मृतिका के पिता ने गांव के ही 5 लोगों पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। वही घटना को लेकर अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की देखरेख में मोदी किचन का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि यह सुविधा लॉकडाउन को लेकर परेशान ग्रामीणों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया गया है, जो एक फोन करने पर ही घरों तक भोजन पहुंचाएगा। इस संदर्भ में विधायक का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जरूरतमंदों को इसकी सुविधा मिलती रहेगी। आदेश है कि कोई भी लोग जरूरतमंद को, सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील किया था कि भाई जो जरूरतमंद लोग हैं सब कोई भूखे नहीं रहे, इसके व्यवस्था करना है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग के किचन के संयोजक माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद के आदेशानुसार, भूपेंद्र यादव के आदेशानुसार हम लोगों ने किचन को प्रारंभ करने का काम किया है। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारियों से हमने आज बैठक किया, उसमें निर्णय हुआ और हम लोगों ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने भी अपील किया है कि सभी जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोरोना से अब तक सुरक्षित चंपारण में महामारी फैलाने की साजिश विदेश की धरती नेपाल से की जा रही है। बता दें कि गुप्तचर एजेंसी की सूचना के अनुसार नेपाल के कुख्यात तस्कर जामिल मुखिया कोरोना बम का प्रयोग कर चंपारण सहित पूरे देश और राज्य में कोहराम मचाना चाहता है, जिसके लिए उसने 50 लोगों की टीम को चंपारण के रास्ते देश में भेजने की तैयारी कर रखा था। इस सूचना के बाद चंपारण में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंपारण में हर जगह से प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। सूचना यह है कि किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन जो है लॉकडाउन जब भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है उसके निर्देश तो अपेक्षित नहीं है। इस संदर्भ में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है बिलगंज में बैठते हैं उनसे भी वार्ता हुई है। दोनों कमांडेंट्स हमारे SSB के जो रक्सौल और ढाका के उनसे भी बात हुई है कि कोई भी इन्फिल्ट्रेट यहाँ पे नहीं करे। अब जो लॉकडाउन का ये आदेश है ये सभी के लिए है, वो भारतीय नागरिक भारत में है, बिहार में है या वो नेपाल में है, किसी भी नागरिक जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये बॉर्डर टोटली सील करने का आदेश जो है संबंधित कमांडेंट्स को दिया गया है। साथ ही में SDO और SDPO रक्सौल और सिकराना ढाका को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी जो है इस तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे नहीं आए, ताकि जो है कोरोना पीड़ित लोग जो है यहाँ पे हमारे यहाँ ये एपिसोड की जो है पुनरावृत्ति नहीं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जनधन खाते में हजार हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन 3 महीने के बाद खाता एक्टिव नहीं होने पर और सुनिश्चित डिपॉजिट मनी की कमी होने पर खाते को लॉक कर दिया जाता है। इसलिए जिनके अकाउंट में पैसा गया है वह पैसा नहीं निकाल पा रहा है। उपेंद्र सहनी ने प्रधानमंत्री से निवेदन करते हुए कहा है कि RBI के रूल में बदलाव कर इसे सहज बनाया जाए ताकि गरीब अपना पैसा निकाल सके। महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनधन योजना वाले के खाते में हजार हजार रुपया ट्रांसफर किया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और जिस खाते में जो पैसा गया है जिसका 3 महीना तक एक्टिविटी नहीं हुआ है खाते का, उसका पैसा उसमें जाकर लॉक हो गया है। बहुत सारे कागज मांगा जाता है एक्टिवेट करने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं RBI के द्वारा इस नियम को चेंज किया जाए और सहज बनाया जाए
ताकि जनधन योजना वाले अपना पैसा निकाल सके। थोड़ा ही मिला है, ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन जैसे है, तो भी हम धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी की ओर से। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। बेगूसराय जिले में दो नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेगूसराय में 5 हो गई है। जो 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सघनता से सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं जिले से सटे सभी सीमा को भी सील कर दिया गया है। ये सिर्फ पुलिस के भाई का कमाल है कि लोग पुलिस के भाई से नहीं निकल रहे बाहर। कोरोना का भय अभी उन लोगों को नहीं है। तो ऐसे ही आपका तेघड़ा अनुमंडल अंतर्गत से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनके द्वारा कि पता चला था कि ये बाहर से आए हुए हैं और उनका लक्षण जांच के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और तब ये चिन्हित किया गया कि कितने लोगों से और मिले हैं। तो 10 लोगों के संपर्क में ये लोग आए हैं और उसी तेघड़ा अनुमंडल के तो उनको अब तो वो एरिया हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसी को लेकर के चूंकि एरिया बहुत बड़ा है इसलिए बड़े एरिया को इस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम लोगों ने पत्राचार भी किया था और बाहर से बल पहुंचा भी है। अभी तक संवेदनशील टोला 6 हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है, संवेदनशील टोला घोषित हुए हैं और संवेदनशील स्थान 18 चिन्हित किया गया है। इनके इन कुल 10 स्थानों में से 24 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां की इसको लेकर के बल को प्रतिनियुक्त किया गया है, मजिस्ट्रेट बल ये दोनों डिप्यूट हैं, ताकि लॉकडाउन का विधि पूर्वक अनुपालन हो और बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके, अंदर के लोग बाहर नहीं जाए। सूचित करना चाहता हूं आप लोगों को कि बेगूसराय जिला में कल 2 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो टोटल अभी केसेस की संख्या बेगूसराय जिला में 5 हो गई है, जिसमें से 1 केस पूर्व में ही उसका दोबारा टेस्ट कराया गया था, नेगेटिव आ चुका है, उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। बाकी 4 व्यक्तियों का उनको सदर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और इन चारों व्यक्ति एक ही ग्रुप के हैं, ये हमारे बेगूसराय जिला के ही निवासी हैं। ये सभी लोग पिछले 1 महीने से ये विभिन्न जगहों पर जा के अपना काम करते थे, जो तबलीगी जमात का काम होता है, और इन लोगों के द्वारा जिन 6 जगहों पे लोग गए हुए थे उन सभी जगहों पे हम लोगों ने उसको अभी सील किया है और वहाँ पे लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है और एक्टिव सर्विलेंस कराया जा रहा है और लोगों का वहाँ पे हम लोग सैंपल की जांच करा रहे हैं, ताकि अगर और कोई व्यक्ति पॉजिटिव इसमें मिलता है तो उसको भी हम लोग उसका भी इलाज करा सकें। और पूरे क्षेत्र को उसमें सैनिटाइज किया गया है, उसके लिए विभाग के द्वारा NDRF की टीम भेजी गई है जो छिड़काव इन सब कार्यों में मदद करेगी और हम लोग सभी 6 जगहों पे पुलिस फोर्सेस डिप्यूट किए हैं, ताकि इंश्योर करा सकें कि लोग अन्य क्षेत्रों में घूमने के लिए ना निकलें और जिनका होम क्वारंटाइन है उसका स्ट्रिक्टली अनुपालन कर सकें। स्थिति अभी पूरी नियंत्रण में है, पूरा हम लोग सैंपल की जाँच आने के बाद और स्थिति क्लियर होगी और पूरा हम लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं, पूरा देख रहे हैं इसको। साथ ही साथ बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से अपील है कि इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग लगातार लोगों की जो भी संदिग्ध लोग या हम लोगों को जो लगता है किसी की भी तबीयत खराब है, हम लोग लगातार उसका टेस्टिंग करवा रहे हैं। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाएगा उसको हम लोग आइसोलेशन में रख के उसका इलाज करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पटना भी इलाज के लिए भेजेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण और उसके रोकथाम को लेकर जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट से संबंधित मालवाहक गाड़ियां, आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन जैसे खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, दवा, कृषि कार्य से संबंधित उपकरणों को आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके साथ ही मेडिकल से संबंधित इमरजेंसी सेवाओं और जिन्हें वैलिड पास उपलब्ध कराया गया है वो भी प्रतिबंधित नहीं होंगे। रोहतास जिला के देहरी के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करवाने निकले थे, इसी दौरान एक जगह इकट्ठे 30 से 40 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। उनके गाड़ी पर पहले पथराव कर दिया गया जिससे सुशील कुमार भी घायल हो गए। इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी के सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें आई हैं।
हाई स्कूल से जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहाँ 40 लोग ठहरे हुए हैं हार्वेस्टर वाले लोग, उन लोग को देख के हम लोग खाना पहुँचा के हम लोग लौट रहे थे। तो चुना भट्टा मोड़ के पास कई लोग 20-25 लोग खड़े थे, तो हम लोगों ने मना किया कि लॉकडाउन है, आप लोग घरों में रहेंगे। उस समय लोगों ने हंगल हल्ला करना चालू कर दिया। उसमें एक आदमी दारू पिए हुए था, तो गालियां देते हुए और ईंटे फेंकते हुए भागने लगा। तो मैंने हम लोगों ने उसका पीछा किया, तो हम लोग बिजली ऑफिस के थोड़ा सा पहले जब पहुंचे, उस समय पीछे सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने और छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो भाग के मैं वहाँ झोपड़ी में कोने पर जो है टर्निंग के पास छुप गया, तब जाकर जान बचा हम लोगों का। और उसमें गाड़ियों पर भी उन्होंने पत्थर चलाया, मेरे पैर में भी पत्थर एक लगा और हमारे जो लोग हैं उनके भी संभव होता है, क्योंकि जितना अगर मैं छिपता नहीं तो इतना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग इतना जुट गए थे, 30-40 लोग। बात करें गया की, तो 9 बटालियन एनडीआरएफ की टीम गया पहुंची, जहां शहर के गांधी मैदान में 6 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेट्स को कोरोना से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। इस मौके पर एनडीआरएफ टीम के सदस्यों सहित एनसीसी के कई अधिकारी और कैडेट्स मौजूद रहे। अभी जैसे हमने हैंडल कर लिया पेशेंट को और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेज दिया, ठीक है, अभी सुरक्षित नहीं है। जितना इन्होंने अपना पीपी पहनने में समय लगाया, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जब मैंने डील किया तो मेरी खतरा कितना बढ़ गया, 4 गुना ज्यादा खतरा बढ़ गया। तो जितना मैंने पीपी पहनने में समय लगाया है उससे कहीं ज्यादा समय। जय हिंद। एनसीसी कैडेट्स जो देश के युवा है, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। अभी देश के ऊपर जब कोविड-19 का संकट है, तब हमारे देश के युवा भी आगे आए हैं। गया एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 बिहार बटालियन एनसीसी को, एनसीसी कैडेट्स को उनका जो कोविड-19 के अगेंस्ट टास्क चल रहा है उसमें मदद करने के लिए कहा। और 6 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स वॉलंटियर हुए हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उनके माताजी पिताजी, उन्होंने भी उनको अनुमति दी है। और अब एनसीसी के कैडेट्स गांधी मैदान में और मानपुर में, जहाँ पे सब्जी मंडी का इलाका है, वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देंगे और प्रेरित करेंगे कि सब लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि कोविड-19 का फैलाव कम किया जा सके। इसके अलावा हमारे जो SW यानी कि जो गर्ल कैडेट्स है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रूम का कॉल सेंटर और हेल्पलाइन है, उसके ऊपर वो लोग मैनिंग करेंगे। पड़ोसी जिला नवादा में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र को पोस्ट और बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। इस दौरान जमुई SP इनामुल हक मैगनू ने सिकंदरा चौक पर ड्यूटी कर तैनात सहायक थाना प्रभारी अफजालुल हक को निर्देश देते हुए कहा कि मनचले बाइक सवार जो बहाना बनाकर अनावश्यक घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। सील किया गया सर, आखिर ये क्या रिपोर्ट दर्शाता है, क्या कुछ बड़ी मतलब जो है होने वाली है, क्यों कुछ त्रासदी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवादा में शायद एक केस पॉजिटिव आया है, वहाँ से जो कितनों से मिला है, किससे मिला है, वहाँ का पब्लिक यहाँ ना आ जाए, क्योंकि अभी तक जमुई में खुशकिस्मती है कि कोई सब नेगेटिव है, अभी तक जिनका भी टेस्ट भेजा तो कोई पॉजिटिव केस है नहीं। तो हम चाहते हैं कि ज़िला पूरा ऐसे ही पूरा लॉकडाउन निकल जाए, मतलब कोई भी यहाँ संक्रमण न हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि बाहरी आदमी यहाँ ना आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर ऐसे भी तो पूरे जिला जो है लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद फिर ये सील किया जाना, मतलब सील किया जाना कि हम बाहर अन्य ज़िलों से नहीं आने देंगे। मान लीजिए किसी ज़िले में कोई पॉजिटिव है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई आया, वो हमारे ज़िले में घुस जाए, किसी और से मिल के उससे दिक्कत न हो जाए, तो इस वजह से उस पर हम रोक लगाएं। फतुहा पुलिस अनुमंडल के फतुहा बाजार, दनियावा बाजार और खुशरूपुर बाजार में सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक लॉकडाउन का कोई पालन नहीं होता है। लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। फतुहा और खुशरूपुर बाजार में युवकों द्वारा लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वालों को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे के कान को पकड़कर उठक बैठक कराया।
इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।